हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैसे किसी भी FD से ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। वर्तमान में जो ब्याज दर है वो 8.2% है और कैसे ये बैंक FD से बेटर है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कितना पैसा जमा करके आपको कितना मैच्योरिटी पे मिलेगा, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरकार ने हाल ही में पोस्ट ऑफिस का जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे जो ब्याज मिलता है उसको बढ़ा दिया है। पहले 8% था, अब ये 8.2% हो गया है। ये ब्याज आपको सालाना जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से आपको मिल रही है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप पैसा कहीं ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां पे पैसे पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, पैसा आपका सेफ रहे, तो जी हां, आप सही जगह पे पैसा लगाने की सोच रहे हैं, वो है पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्योंकि इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो अधिकतम इसमें हम लोग 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। पहले इसमें 15 लाख का लिमिट था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अधिकतम 30 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम 1000 रुपए से आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। 8.2% का इसमें इंटरेस्ट आपको मिलना है ईयरली। बैंक जो, अगर बैंकों की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें 5 साल की FD पे आपको 7.5% का ब्याज मिल रहा है, यानी कि SBI के मुकाबले 0.7% ज़्यादा आपको ब्याज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल रहा है। 5 साल के लिए ये होता है, 5 साल के पहले भी आप उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी आपको 5 साल के बाद मिलती है। समय से पहले बंद करने पे कुछ आपको पेनल्टी लगता है। 1 साल के अंदर अगर आप बंद करते हैं तो कोई ब्याज नहीं मिलता है। 1 साल के बाद अगर आप बंद करते हैं तो 1.5% जो है वो आपके अमाउंट से टोटल जो इन्वेस्ट आपने किया था उससे काट के आपको वापस पैसा बाकी किया जाता है। और 2 साल के बाद अगर आप बंद करते हैं इसको तो 1% राशि की कटौती होती है। इनकम टैक्स की धारा जो 80C है वो आपको 1.5 लाख रुपए तक का लिमिट जो है उस पर आप जानते हैं, और इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आपको 1.5 लाख तक का जो है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें उसको 80C के तहत आपको छूट मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, जो इंटरेस्ट इस पर मिलता है वो टैक्सेबल होता है। और एक चीज़ और जान लें कि इसमें ज्वाइंट खाता भी खुलवा सकते हैं, यानी 30 लाख रुपए हस्बैंड और 30 लाख रुपए वाइफ अपने नाम से, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो खुलवा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितना इन्वेस्ट करने पे कितना आपको मिलेगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, 5 साल के बाद अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो 1,50,471 रुपये 5 साल के बाद मिलेगा। 2 लाख रुपए आपने जमा किया है तो 3,09,43 रुपये मिलेगा। 5 लाख जमा किया है तो 7,52,359 रुपये मिलेगा। 10 लाख जमा किया है तो 5 साल के बाद 15,04,718 रुपये आपको मिलेगा। 20 लाख रुपए जमा किया है तो 30,09,434 रुपये आपको मिलेगा आज की डेट में। और अगर आप 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो 45,14,154 रुपये आपको मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। मोटा मोटा समझने के लिए, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल में करीब वो 1.5 गुना आपका हो जाएगा 8.2% के हिसाब से। तो ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में शॉर्ट और प्रिसाइस जानकारी। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।